वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में न्यू यूनिट वेक्टर कैलकुलस, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें पोजीशन वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वेक्टर कैलकुलस के सभी बेसिक्स इसके पहले के वीडियो में जो हमने बताए थे वो पता होना चाहिए। तो इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहां से देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे आपका वेक्टर कैलकुलस का पूरा बेसिक जो है, इनिशियल बेसिक जो चाहिए वो आपका वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो चलो देखो यहां पे सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टडी करते हैं, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो यहां पे हमने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है, डायग्राम भी दिया है, और पोजीशन वेक्टर के बाद हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी स्टडी करेंगे। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में यहां पे क्या लिखा है जरा समझते हैं इसको पहले, ठीक है। तो यहां लिखा है इफ ओ इज अ फिक्स पॉइंट, देखो ये डायग्राम की तरफ ध्यान दो, डायग्राम में आप देख सकते हैं यहां पे ओ एक फिक्स पॉइंट है। इफ ओ इज अ फिक्स पॉइंट एंड ए इज एनी पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है ए बी सी, तो यहां पे हमने तीन पॉइंट लिया है ए बी सी, तो उसके वहां पे ए पॉइंट के बारे में दिया है। एंड ए इज एनी पॉइंट इन स्पेस देन द वेक्टर ओ ए, देखो यहां पे क्या लिखा है, वेक्टर ओ ए, देखो ओ ए को किस तरह से शो किया जा रहा है, ओ ए के ऊपर एरो है, ठीक है ना, उसको पढ़ना है एज अ वेक्टर ओ ए, इज कॉल्ड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए विथ रेफरेंस टू पॉइंट ओ, ठीक है। और ओ को क्या कहेंगे, वेयर ओ इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेफरेंस और सिंपली ओरिजिन, ओ को आप ओरिजिन कहेंगे और ओरिजिन ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और ये जो ओ ए है उसको आप आपको वेक्टर ओ ए ऐसा रीड करना है, ठीक है। और इसको किस तरह से शो करेंगे, देखो यहां पे लिखा है ओ ए को, यहां पे देखो अगर आप डायग्राम की तरफ पहले ध्यान देंगे तो यहां पे पॉइंट ओ है जो कि फिक्स पॉइंट ओ है, देन यहां पे ए बी सी एनी पॉइंट इन द स्पेस है, ओ से ए हमने यहां पे ज्वाइन किया है, ये है वेक्टर यहां पे ओ ए, ओ टू बी हमने ज्वाइन किया है, यह है वेक्टर ओ बी और यह है वेक्टर ओ सी, इसको हमने ए बार बी बार सी बार यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से शो किया है। तो यहां पे हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ओ ए यानी ही दैट इज ए बार, देन यहां पे वेक्टर ओ बी इज द बी बार एंड वेक्टर दैट इज ओ सी इज द सी बार। तो यहां पे ओ ए ओ बी ओ सी इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी, तो ये है दैट इज हम इसको ऐसे रीड करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रेफरेंस टू ओ, यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रेफरेंस टू ओ, यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विथ रेफरेंस टू ओ, और इसको ए बार से शो किया है, इसको बी बार से और इसको सी बार से, ए बार यानी ही वेक्टर ए, बी बार यानी ही वेक्टर बी एंड सी बार इट इज आल्सो वेक्टर सी, ठीक है इस तरह से। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर की स्टडी कर ली है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें स्टडी करना है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चलो देखते हैं सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने यहां लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको इसके फॉर्मूलेज, अगर आपको इसके रूल्स पता है तो आप आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसके सभी रूल्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट, इसको बॉक्स प्रोडक्ट ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये नाम याद रखो। देखो यहां पे क्या दिख रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो क्या लिखा है ट्रिपल, अगर यहां पे ट्रिपल वर्ड लिखा है इसका मतलब तीन वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, तीन वेक्टर के प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन यहां पे डॉट और क्रॉस का यूज होता है इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। कैसे होता है देखो यहां पे हम समझा के देते हैं आपको। देखो हमने यहां पे तीन वेक्टर लिए हैं ए बी सी, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर एनी थ्री वेक्टर्स देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गिवन बाय, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से शो होता है यहां पे हमने आपको बताया है, यहां पे दो तरह से शो किया है, दोनों में से कोई भी वे से शो करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन वेक्टर्स हमने लिए हैं और अगर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शो करना है तो ऐसे शो किया जाएगा, वेक्टर ए डॉट देन ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी,
ठीक है ना, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। इसको आप ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे ब्रैकेट में वेक्टर ए बी सी इट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी, ऐसा है वो, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर वेक्टर ए का अगर इस टाइप का इक्वेशन हो, दैट इज ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, वेक्टर बी का ऐसा अगर इक्वेशन हो बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, और वेक्टर सी का अगर ऐसा इक्वेशन हो सी वन आई सी टू जे सी थ्री के, तो ऐसे में एक मिनट, तो यहां पे तो ऐसे में यहां पे देखो अगर तीनों का अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर करना हो वेक्टर ए बी सी का, तो देखो वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए किस तरह से कैलकुलेशन होता है वो समझ लो। तो देखो हमने यहां लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना होता है। देखो यहां पे डिटर्मिनेंट में क्या लिखा है, तो यहां पे तीन रो है, फर्स्ट रो में वेक्टर ए में जो आई जे के कोएफिशिएंट्स है यानी ए वन ए टू ए थ्री वो यहां पे आपको दिख रहा है, सेकंड रो में वेक्टर बी के जो आई जे के कोएफिशिएंट्स है बी वन बी टू बी थ्री वो आपको यहां दिख रहा है, और थर्ड रो में वेक्टर सी के आई जे के जो कोएफिशिएंट्स है सी वन सी टू सी थ्री वो आपको यहां दिख रहा है। तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ लो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जब हम इसके प्रॉब्लम्स लेंगे तब आपको ये ज्यादा बेटरली समझ में आएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होता है, अभी सिर्फ हम आपको फार्मूलेज बता रहे हैं। आगे चलते हैं, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या नोट करने वाली बातें हैं वो समझ लो। देखो नोट वन नोट टू और नोट थ्री, हमने यहां पे तीन नोट आपके सामने लाए हैं। तो देखो नोट वन में क्या लिखा है, नोट वन में आपको एक बात ध्यान में रखना है, देखो ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इसको सी डॉट ए क्रॉस बी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, लेकिन ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो क्लॉकवाइज का क्या मतलब है जरा समझ लो। देखो अभी जैसे वेक्टर ए है, देन वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, अब इसमें क्लॉकवाइज चलाओ, तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ए टू बी चलो, बी टू सी चलो, देन सी टू ए चलो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। इसके पहले के वीडियो में भी हमने ये कहा था क्लॉकवाइज चलाना होता है, ठीक है ना। तो ये देखो यहां पे अगर आप क्लॉकवाइज चलाएंगे, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, ए ए टू बी, बी टू सी, फिर सी टू ए है, ओके। यहां पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, यहां पे भी देखो, ये देखो बी टू सी, सी टू ए एंड ए टू बी, मतलब इनडायरेक्टली वही है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, यहां पे भी देखो, ओके, यहां पे भी देखो सी टू ए, ए टू बी एंड बी टू सी, ये देखो ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, इट मीन्स यहां पे भी क्लॉकवाइज है, यहां पे भी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे भी क्लॉकवाइज है। तो बोलने का मतलब यह है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी को आप चाहे तो ऐसा लिखो, या आप चाहे तो ऐसा लिखो, या आप चाहे तो ऐसा लिखो, तीनों सेम है, ये क्लॉकवाइज चलाना होता है। अगर आपने बीच में कोई भी अगर एंटी क्लॉकवाइज कर लिए ना, तो फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये बातें जो है, ये जो हमने आपको अभी जो फार्मूला बताया है, ये आपको और ज्यादा समझ में आएगा जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जब इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करना होता है ना, तब ये ज्यादा बेटरली समझ में आता है। अभी सिर्फ ये आप फार्मूलेस ध्यान में रखो कि ये किस तरह से होता है, ये हो गई पहली बात। और इसमें हमने डॉट और क्रॉस का यूज किया है, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे ये जो फार्मूला है ना, ये डॉट क्रॉस के साथ है कि नहीं। देखो डॉट क्रॉस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा डॉट और क्रॉस के साथ बनता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ये ब्रैकेट के फॉर्म में है, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर बॉक्स फॉर्म में अगर हम चेक करेंगे, तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये देखो बॉक्स फॉर्म में ए बी सी, वेक्टर ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। यहां पे भी देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, मतलब जो ये ऊपर में है ना डॉट और क्रॉस के साथ, वही नीचे में यहां पे है बॉक्स में। यहां पे भी देखो बी सी ए है, तो यहां पे देखो बी सी ई है, बी सी ए है बॉक्स में। यहां पे भी देखो सी ए बी है, तो यहां पे है सी ए बी बॉक्स में। इट मीन्स ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया नोट वन, हमने आपको यहां पे ये बताया कि क्लॉकवाइज चलाने पर आप कोई भी फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो नोट टू। अब देखो जैसा हमने कहा था कि अगर हमने यहां पे क्लॉकवाइज नहीं चलाए, मान लो एंटी क्लॉकवाइज चलाए बीच में कोई, तो आपको साइन चेंज करना होता है। तो देखो उसको नोट टू में हमने रखा है, देखो वी नो दैट बी क्रॉस सी इज माइनस सी क्रॉस बी,
ये हमने इसके पहले के वीडियो में कहा था स्केलर प्रोडक्ट यानी ही डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने आपको कहा था स्केलर प्रोडक्ट में क्या कहा था कि ए डॉट बी, एक मिनट यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं, तो हमने आपको ये कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये हमने इसके पहले कहा था, लेकिन हमने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए ये नहीं कहा था, ऐसा नहीं होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता, अगर आपको बी क्रॉस ए करना है तो सामने माइनस यूज करना होता है, यहां पे सामने माइनस यूज करना होता है, ये ध्यान में रखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट में रूल है, तो हमने आपको यहां पे यही बता रहे कि बी क्रॉस सी इज द माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, जो कि ये वाला रूल है ना, तो जब ये पता है तो देखो यहां पे देखो अब ये फार्मूले की तरफ ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिखा है यहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का। अब देखो यहां पे हम यहां पे क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, यहां पे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब जो अंदर में बी क्रॉस सी है उसका प्लेस एक्सचेंज करेंगे, सी इधर लेके आएंगे बी इधर ले जाएंगे, तो अगर आप यहां पे अंदर में क्रॉस प्रोडक्ट में प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको यहां पे माइनस यूज करना पड़ेगा, देखो बी क्रॉस सी के जगह आप सी क्रॉस बी अगर लिख रहे हैं तो सामने लगेगा माइनस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ठीक है ना, अगर आप प्लेस को एक्सचेंज करते हो तो साइन को निगेटिव लेना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज द माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी। एक और एग्जांपल यहां पे देखो, एग्जांपल नंबर टू आपके सामने है, बी डॉट सी क्रॉस ए, यहां पे बी सी ए है ठीक है ना, बी डॉट सी क्रॉस ए, देखो अंदर में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना सी क्रॉस ए, अगर आप यहां पे प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं, सी के जगह ए लेके आ रहे हैं, ए के जगह सी ले जा रहे हैं, तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सामने आपको माइनस का यूज करना पड़ेगा, देखो यहां पे माइनस का यूज किया है, माइनस ऑफ बी डॉट ए क्रॉस सी, इस तरह से, तो यहां पे वही है, यहां पे अगर आप इसको क्लॉकवाइज चलाओगे, क्लॉकवाइज अगर आपको प्लेस एक्सचेंज करना है तो क्लॉकवाइज प्लेस एक्सचेंज होगा, क्लॉकवाइज प्लेस एक्सचेंज होगा तो आपको साइन वगैरह कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको प्लेस अगर एक्सचेंज करना है तो फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको आगे जब हम इसके प्रॉब्लम्स लेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, यहां पे फिलहाल सिर्फ फार्मूलीज हम ये बता रहे हैं, तो ये सब कुछ आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं लास्ट नोट की तरफ, नोट थ्री में देखो क्या लिखा है, नोट थ्री में लिखा है यहां पर ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो होता है, बी डॉट बी क्रॉस ए जीरो होता है, सी डॉट ए बी क्रॉस सी जीरो होता है, इसमें क्या स्पेशल है, इसमें स्पेशल ये है कि यहां पर हमेशा ध्यान में रखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर अगर हो तो सीधा उसका आंसर जीरो हो जाएगा, देखो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसमें दो सेम वेक्टर है, देखो ए ए है ना, इसलिए जीरो हो गया, यहां पे देखो इसमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बी बी दो वेक्टर सेम हो गए इसलिए जीरो हो गया, यहां पे देखो यहां पे सी यहां पे भी है सी यहां पे भी है, मतलब दो सेम वेक्टर अगर आ गए, दो सेम वेक्टर अगर इसके अंदर आ गए तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बात का आप ध्यान रखो, तो ये नोट थ्री है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फाइनली यहां पे हमने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बोलो बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में सभी चीजें सभी फार्मूले जो है सब कुछ बता दिए हैं, अगर यहां पर कुछ अगर छूट भी गया फॉर एग्जाम्पल तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो और भी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी, तब आप वहां पे वो लिख सकते हैं नोटबुक में, ये सब चीजें नोट करते जाओ, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चलो आगे चलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ, तो ये देखो ये एक्सप्लेनेशन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के समान ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस, यहाँ पे उसकी तरफ ध्यान देंगे, तो यहाँ पे भी वर्ड क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो लिखा है ट्रिपल, ट्रिपल मतलब यहाँ पे भी तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है ना, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसके पहले तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट था, स्केलर में डॉट और क्रॉस का यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी ही क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको डॉट का यूज नहीं करना है, आपको ओनली क्रॉस का यूज करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स देन क्रॉस और वेक्टर, देखो क्या लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, हमने कहा था ना वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, देन क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी सी, ए का बी सी के साथ, ठीक है ना, इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, मतलब ए का वेक्टर ए का बी क्रॉस सी के साथ जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे, यहां पे स्टेटमेंट में वही लिखा है। अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा वो समझ लो, यहां पे लिखा है देखो यहां लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब इसमें और इसके पहले के इसमें क्या फर्क है, देखो फर्क बताते हैं, इसके पहले के इसमें जो हमने स्टडी किए
ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट है, डॉट यहां पे डॉट है क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट यानी ही डॉट प्रोडक्ट है ना, तो यहां पे डॉट का यूज करना है, और यहां पे देखो वेक्टर वाले में यहां पे क्रॉस का यूज करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बाकी बी क्रॉस सी सेम है, उसमें भी है इसमें भी है, यहां पे बस इसके पहले डॉट था, यहां पे आ गया क्रॉस, क्रॉस इसलिए क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट यानी ही क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, ध्यान में रखो, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह से, तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद नोट में यहां पे क्या क्या लिखा है, नोट में तीन पॉइंट्स हैं और यहां पे फार्मूलाज भी है, एक्सपांशन फार्मूला, ये एक्सपांशन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला नंबर वन, फार्मूला नंबर टू, इसको आपको अपने नोटबुक में जरूर लिखना चाहिए। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट नोट में क्या लिखा है, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखो यहां पे भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, यहां पे भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, देखो फर्क यहां पे ये है कि यहां पे बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए को बी सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जबकि यहां पे सी को ए क्रॉस बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे, और ऐसे में दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ये नोट। अब देखो पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री में, देखो नोट टू नोट थ्री में एक्सपांशन फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% स्टूडेंट जो है ये फार्मूले इसका यूज करके जब प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाते हैं ना, तो वहां पे उनका प्रॉब्लम रॉन्ग होता है, ओनली बिकॉज वो फार्मूला प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर ऐसे हो, देखो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये फॉर्म में होगा या तो ये फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म आपके सामने है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ए क्रॉस बी अलग है और उसका सी के साथ क्रॉस हो रहा है, यहां पे ए को बी सी के साथ क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर ऐसे फॉर्म में अगर हो तो आपको फार्मूला ये यूज करना है, देखो क्या लिखा है, किस तरह से चलना है, देखो ए डॉट सी, देखो फर्स्ट है ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा, तो यहां पे ए डॉट सी, ए को सी के साथ डॉट करना है, ए डॉट सी, देखो ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी, और उसके बाद बी डॉट सी इंटू ए, देखो बी डॉट सी इंटू ए, लेकिन माइनस का यूज करना है बीच में, ये ध्यान में रखो, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ये देखो ये एक्सपांशन है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, देन सेकंड टर्म लास्ट टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इस तरह से देखो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट डॉट प्रोडक्ट के साथ, और फिर यहां पे जो रिमेनिंग टर्म है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस है, ये एक्सपांशन फार्मूला हो गया फर्स्ट। अब देखो सेकंड एक्सपांशन फार्मूला कैसे है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट डॉट लास्ट, ए डॉट सी, देखो लिखा है ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी, फिर माइनस ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी इंटू सी, देखो माइनस ए डॉट बी इंटू सी, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड, और जो रिमेनिंग रहता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों एक्सपांशन फार्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये दोनों फार्मूलेज में अभी अगर फिलहाल कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला फिलहाल आप लिख के रखो, जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब ये फार्मूला किस तरह से यूज होता है, कैसे उसका एक्सपांशन होता है, तब आपको वहां पे और ज्यादा बेटरली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप अभी फिलहाल अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखो, क्योंकि ये फार्मूलाज वाला वीडियो है, इसमें सिर्फ जो है हम यहाँ पे फार्मूलाज बता रहे, इसका मोर जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो हम प्रॉब्लम्स के दौरान यहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में जो हमें स्टडी करना था, व्हाट हमने क्या क्या स्टडी किए आज के हम वीडियो में, हमने पोजीशन वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को पूरी तरह से स्टडी कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ अपने नोटबुक में लिख के रखे होंगे। देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पॉइंट्स है, और ये पोजीशन वेक्टर के बारे में छोटा सा एक नोट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये था आज का वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर टू। इसके आने वाले दिनों में हम जो इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आप जरूर स्टडी करिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।